अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इस एसओपी में हम देखेंगे कि किस तरह जब आप सप्लायर से डिफरेंट सप्लायर से बात कर रहे होते हैं, आप 4 से 5 सप्लायर से आपने बात की, आपने अपने सैंपल्स इकट्ठे किए, सैंपल्स गैदर किए। अब आपने क्या करना है, अब आप इंस्टेड ऑफ शिपिंग ऑल द सैंपल्स वन बाय वन, कि आप सब एक सप्लायर को बोलते हो अच्छा मेरे एड्रेस पे शिप कर दो, दूसरे को बोलते हो मेरे एड्रेस पे शिप कर दो, तीसरे को बोलते हो मेरे एड्रेस पे शिप कर दो। इससे क्या होगा कि एक सप्लायर अगर आप यूएस में शिप करा रहे हो, पाकिस्तान में शिप करा रहे हो, तो आपको पर सैंपल आपको 150 से $200 तक की कॉस्ट आ सकती है बाय एयर। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल सप्लायर्स को आप बोलोगे मुझे अलग अलग से आप सैंपल सेंड करो, आप हम क्या करेंगे, हम एक कंसोलिडेशन कंपनी को हायर कर लेंगे जो हमारे बिहाफ पे अपने चाइना वाले वेयर हाउस में हम सब सप्लायर्स को कहेंगे यार इस चाइना के एड्रेस पे हमारा सैंपल भिजवा दो, जो मोस्टली वो चाइना के अंदर आपको फ्री शिपिंग दे देंगे, 99% आपको फ्री शिपिंग दे देंगे। कोई सप्लायर होगा जो आपसे थोड़ा बहुत पैसे ले लेता है, ठीक है, 5, 6, $10 शिपिंग के, तो विद इन चाइना, तो विद इन चाइना आपको शिपिंग मिल जाएगी मोस्टली। आपको अगर आपको 4, 5, 5 सैंपल है तो 5 में से आपको 4 सप्लायर 99% प्रोबेबिलिटी है कि फ्री दे देंगे। मैं आपको ट्राई करके बता रहा हूँ। तो आप उन कंसल्टेशन कंपनी के आप सैंपल भिजवाओगे, वो आपके 4 और 5 सैंपल्स रिसीव करेंगे, उनको एक पैक में पैकेज में पैक करेंगे, उनका टोटल वेट करेंगे, उस टोटल वेट के हिसाब से आपके जो चार्जेस बनते होंगे ना वो आपको आपको आपने उनको पे करने हैं, और सारे सैंपल्स एक साथ आपके एड्रेस पे भिजवा देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने 2-3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कंसोलिडेशन कंपनी को किस तरह ढूंढना है, उसके बाद उसको क्या मैसेज करना है, और अपने सप्लायर को अपने क्या क्या चीज़ें बतानी है कि सैंपल जो आप उसने भिजवाना है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें मैंशन हो, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि सैंपल्स मिक्स ना हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसोलिडेशन कंपनी सप्लायर से आपने बात कर ली, सैंपल तक की बात डन होगी। अब कंसोलिडेशन कंपनी ढूंढते हैं, आप सिंपल सर्च कर लो कंसोलिडेशन कंपनी। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो चाइना टू यूएसए, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप यहाँ से ट्रेड एश्योरेंस से वेरीफाइड सप्लायर लाजमी कर लो जो आपको मैंने प्रीवियस सिखाया है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी, अब आप इनको वन बाय वन ओपन करो। मैं यूजली प्रेफर करता हूँ मैं 4.8, 4.9 रेटिंग वाली कंपनीज के साथ या 5 स्टार वाली कंपनीज के साथ जाता हूँ यूजली, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास पहले नंबर पे आई है 4.9, 152 रिव्यूज के साथ, इसको मैं ओपन कर लूँगा अपने पास, और ये देखें 4.8 रेटिंग है, 99% ऑन, अच्छा डिलीवरी रेट ऑन टाइम अच्छा होना चाहिए, तो मैं इसको अपने पास फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। इसी तरह मेरे पास एक और देखते हैं 4.7, 597 रिव्यूज पे इसके अगर 4.7 है तो देन ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है, तो इसको आप ओपन करके थोड़ा सा ऑन टाइम डिलीवरी रेट वगैरह देख के 100% बेहतरीन ऐड कर लो। तो आपने इसी तरह अपनी जो है ना कंपनीज देखनी है 4 पॉइंट, यूजली मैं अब ये देखो 106 रिव्यूज पे 5 स्टार है, इसको ऐड कर लो डायरेक्ट, ठीक है। और 4.6 वालों को मैं अवॉइड करता हूँ, बहुत कम वालों को भी अवॉइड करता हूँ, ये इसको भी देख सकते हैं लेकिन इतने कम रिव्यूज पे नहीं। ये 158 पे 4.8 है तो इसको कर लो आप। एक चीज देख लेना कि अगर एक कंपनी के मल्टीपल प्रोफाइल्स भी होते हैं तो सेम कंपनी को आप 2 बार ना कर दो, तो ये चीज़ आप वेरीफाई कर लेना। और इसी तरह आप नीचे आते जाओ 198 पे 4.8 है, इसको भी ऐड। इस तरह आपने 4-5 कंपनीज को या 6-7 कंपनीज को ऐड कर लिया अपने पास, ताकि आपके पास डिफरेंट रेट्स आ जाए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि आप उससे पूछोगे कि यूजुअली आपका जो रेट होता है बाय एयर क्या होता है पर केजी, ठीक है, ये चीज़। अब आपने क्या करना है, जब उनको अपने अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया तो माय अलीबाबा में आप जाओगे, तो लॉगिन कर लेते हैं। मीन वाइल आपने सप्लायर को क्या बोलना है कि सप्लायर ने आपको क्या क्या देना है, सप्लायर को आपने कहना है कि यार जो भी सैंपल तुम सेंड करो, जो मैं अभी तुम्हें अपने चाइनीज जो चेक कंसोलिडेशन कंपनी वाला बंदा है ना, लेट्स सपोज आपने कंसोलिडेशन कंपनी 4 से 5 ऐड की अपने पास, उनको आपने ओपन किया, और ओपन करने के बाद आप आए और अपनी फेवरेट लिस्ट में गए, वहां से आपने 4 और 5 को इकट्ठा सेलेक्ट किया। अपने फेवरेट्स में आ जाऊंगा, यहाँ पे फेवरेट्स में आके अब मैंने यहाँ पे 4 जो टॉप पे मेरे आ रहे होंगे ये कंसोलिडेशन कंपनीज, इनको सेलेक्ट कर लो, लॉजिस्टिक वाले जितने भी हैं जो मैंने अभी ऐड किए हैं, ठीक है, ये आ गए। और इनको आपने कॉन्टैक्ट करना है, इनको कॉन्टैक्ट में आपने बताना है कि यार वी नीड टू सेंड लाइक 5 और 5 सैंपल्स टू यूएसए। मैं आपको टेम्पलेट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा कि कंसोल्टेशन का आपने क्या मैसेज करना है, वो मैं आपको बता दूंगा उसमें, लेकिन अभी आपको जनरल बता रहा हूँ। आपने इनको सिर्फ ये बताना है कि हमारे 5-6 सैंपल्स हैं जितने भी हैं, वो हमने चाइना से शिप कराने हैं यूएसए, हम आपके पास भेजेंगे, आपने इनको पैक करना है एक में एक पैकेज में, और हमें शिप कर देना है यूएसए। तो आप हमें बता दें कि आपका, और अब ये आपसे ना 4-5 चीज़ें पूछते हैं, एक आपकी प्रोडक्ट क्या है,
प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट क्या है, दूसरा आपका टोटल वेट क्या बन रहा है और आपकी प्रोडक्ट की साइज़ क्या है, तो वो आपने सप्लायर से पहले ही पूछ लेना कि यार मुझे बता दो कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, मेरी प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, मेरी प्रोडक्ट का वेट क्या है। प्रोडक्ट नेम आपने इनको भेजना है, आप लिख के प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट इमेज आप साथ एक भेजोगे इसको, साथ आप दोगे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट का साइज, और उसको रफ बता दो। अगर एक सप्लायर का वेट 1 kg आ रहा है, दूसरे का 2 kg आ रहा है, अब उसको एस्टिमेट बता दो, क्या मेरे 5-6 सैंपल्स का एस्टिमेट वेट इतना होगा, 6 से 7 kg, उस लिहाज से आप मुझे अभी फिलहाल रेट दो, तो वो आपको बताएगा अच्छा इसके हिसाब से अभी आपको एस्टिमेटेड इतना बता रहे हैं, फिर आप उसको कंपेरिजन कर लो, जिसका सबसे अच्छा है, जिसकी फैक्ट्री अच्छी है, रेट भी अच्छा है, उसको आप फाइनलाइज कर लो। अब आप उसको बोलोगे कि यार मुझे अपनी जो है ना वेयर हाउस का एड्रेस, और मुझे अपने वेयर हाउस का फोन, अपना फोन नंबर और अपना नाम और अपना वेयर हाउस का एड्रेस दे दो। ये 3 चीजें आप उससे लोगे, अपने सप्लायर्स के पास जाओगे, सप्लायर को आपने क्या बोलना है, सप्लायर को बोलना है कि यार ये मेरा एजेंट है चाइना में, इसको आपने हमारी अपनी प्रोडक्ट शिप करनी है, ये हमारे पास पहुंचा देगा, हम आपका सैंपल इवेल्युएट करेंगे। अब उसके साथ आपने इसको क्या बोलना है, उसके साथ आपने इसको ये बोलना है कि यार जो भी सैंपल आप भिजवाओगे, उस सैंपल के ऊपर आपने अपना नाम और अपनी फैक्ट्री का नाम लाजमी लिखना है, प्रिंट आउट किया होना चाहिए, या इतना अच्छा मार्कर से लिखा होना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा ये बंदी थी, इसकी ये फैक्ट्री थी, हमारे पास इसका सैंपल आया है। ठीक है, तो सप्लायर को बोलना है कि ये चीज़ यार लाजमी अटैच करनी है। दूसरी चीज़, हमें ट्रैकिंग नंबर आपने देना है, जो भी आप पार्सल भेजो सप्लायर हमारे एजेंट को, उसका ट्रैकिंग नंबर हमें लाजमी दो। वो ट्रैकिंग नंबर आप अपनी शीट में डालेंगे जो मैंने आपको पीछे बताई थी, उस शीट में आप ट्रैकिंग नंबर डाल लोगे, उसके अंदर आप ये भी डाल लोगे कि जो सप्लायर आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं 4-5, उनका सैंपल निकल चुका है यानी निकल चुका, और ट्रैकिंग उसकी ऐड कर लोगे। वही सेम फिर आप अपने जो अपना दूसरा जो कंसल्टेशन कंपनी वाला बंदा है जिसको आपने फाइनल किया, उसको आके आप उसको साथ साथ ट्रैकिंग नंबर देते जाओगे, जो जो सैंपल आपका निकलता जाएगा उसका ट्रैकिंग नंबर आप अपने कंसल्टेशन कंपनी वाले सप्लायर को प्रोवाइड करते जाओगे। ठीक है, उसको आपने 4-5 जो ट्रैकिंग नंबर दे दिए, जैसे उसको प्रोडक्ट रिसीव होती जाएगी, वो आपको बताता जाएगा कि अच्छा मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो गई है, ये ट्रैकिंग नंबर है, ये। जब उसको 4-5 प्रोडक्ट रिसीव हो जाए आपकी, देन आप उसको बोलो कि अच्छा मुझे फाइनल वेट करके बताओ, वो आपको वेट करके बताएगा, आपको उसको को मुझे पिक्चर भेजो, वीडियो बना के भेजो वेट की, पैकेज की, आपको भेजेगा, आप चेक कर लेना, और वो आपको यूजली बता देगा अच्छा आपका इतना वेट है, यूएसए में आपके इतने चार्जेस होंगे, आप उसको चार्जेस पे करो, और आपके सारे सारे पाँचों छः पाँच के पाँच छः सैंपल 4 सैंपल जितने भी हैं यूएसए में शिप कर देगा। ये एक प्रोसेस होगा पूरा, इस तरह आपके पास 4-5 सैंपल्स इकट्ठे आ जाएंगे, आपके पैसे, आपकी क्लाइंट की कॉस्ट भी बचेगी, आपको भी फायदा होगा, क्लाइंट को भी फायदा होगा, और इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, सिंपल सा काम है। शॉर्टलिस्ट करने हैं, रेट लेना है, प्रोडक्ट डिटेल्स देनी है, उसका एड्रेस देना है, सप्लायर को देना है, और सप्लायर का जिस सप्लायर से भी आप मंगवाओ उस सप्लायर का ट्रैकिंग नंबर, उसके पार्सल का, और साथ उस सप्लायर का नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल अपने कंसल्टेशन कंपनी वाले बंदे के साथ शेयर कर दो, ताकि अगर कोई मसला होता है तो वो उसको कॉल करके खुद ही कंसल्ट कर ले। ठीक है, इसी तरह उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह उसके साथ सप्लायर के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भिजवाने से पहले से कॉन्टैक्ट कर ले। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर दिस एसओपी, थैंक यू सो मच, टेक केयर।